ऑन वे टू लंदन। हमारी बिल्डिंग देखें आप, ये देखें 10 मिनट हो गए अभी तक इधर ही अटके हुए। इसका टिकट लिया हुआ था हमने, सुपर सुपर बिजी। ताजा ताजा मैं जीत के लाया हूँ। वेरी अट्रैक्टिव। आपका भाई जा रहा है जी लंदन, क्रिसमस लंदन में, और बड़ी बेहतरीन मज़ेदार किस्म की सीनरी भी चल रही है, और ये देखें सीट्स भी बड़ी कंफर्टेबल है फर्स्ट क्लास। तो जैसे कि क्रिसमस की छुट्टियां यहाँ पे लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कोई इधर कोई उधर, कोई किसी के रिश्तेदार, जैसे पाकिस्तान में अपने ईद पे सब खालम खाली हो जाता है, इस्लामाबाद सब लोग कहीं ना कहीं चले जाते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे ही चल रहा है कि क्रिसमस की छुट्टियाँ स्कूल से और फैमिलीज जो हैं वो कोई इधर कोई उधर कोई उधर। तो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मुझे पता चला कि कोई बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी है नहीं यहाँ पे क्रिसमस की। तो मैंने तो बड़ा सुना हुआ था जी ये मतलब अंग्रेज़ लोग बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, बड़ा बेहतरीन। तो मैंने फिर हिसाब किताब लगाया कि ये लंदन वाली साइड पर ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, तो चलो एक दो दिन ज़रा उधर ही देख के आते हैं शुगर। तो अब हम जा रहे हैं उधर और आपको वहाँ पे भी सारा घुमाएंगे फिराएंगे और गोल गोल चक्कर आपके भी लगवाएंगे, ठीक है। चल ये मेरे ख्याल में वो सामने जो आप देख रहे हैं वो माल गाड़ी है, माल गाड़ी होती है ना अपने पाकिस्तान इंडिया में, तो वो माल गाड़ी है। हैरड्स, ये देखें चॉकलेट का पूरा मेला सजा हुआ, ये सब चॉकलेट के स्टॉल्स हैं। क्रिसमस का रश और लंदन की जिस मर्जी गली में जाओ, जिस मर्जी सड़क में जाओ, रश है के बस बहुत ज्यादा, और काफी बिल्डिंग सजाई हुई है। ये जैसे कि सामने वाली बिल्डिंग देखें आप, ये देखें, वाह, इधर खड़े होके एक फोटो भी मेरे ख्याल में लेना चाहिए। ये आपको बैकग्राउंड में नजर आ रही है बिल्डिंग, वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ, सो जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो ये एडवेंट कैलेंडर है, इनका क्रिसमस का कोई सिलसिला होता है उसको बोलते हैं एडवेंट कैलेंडर, तो उसको कॉपी करने की कोशिश की गई है। पहले आप इसको देख लें और मुझे तो आप देखते ही रहते हैं, और आप रोड के इस तरफ देखें उस तरफ देखें, माशाल्लाह रौनक भी बड़ी है, लेकिन ज़रा ज़ाहिर है कि ध्यान से देखना पड़ता है, ट्रैफिक भी बड़ी है, और ये देखिए चमक भी पड़ रही है, भाई के सर पे भी चमक पड़ रही है, तो हर तरफ शानदार माहौल, वेरी एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। मेरा चूज़ा भी जा रहा है भाग भाग के। सामने ये पार्क है, इधर जा रहे हैं जी हम, काफ़ी रौनक है, बाकी अंदर चलते हैं जाके देख के बताते हैं आपको। ये देखो ना मेरा चिकन, कमिंग कमिंग बाबा, कमिंग टू कैच यू, रनिंग 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 रनिंग, ये फ्रेश चेक करें। हालांकि इसमें जाने का टिकट पहले एडवांस में करवाया हुआ है, और ये सब वो लोग खड़े हुए हैं पीछे भी रश लगी, तो ये सब लोग वो हैं कि जो एडवांस में टिकट करा के खड़े हुए हैं, जिन्होंने एडवांस में नहीं कराया उनकी तो बाहर और भी लंबी लाइन लगी हुई है। 10 मिनट हो गए अभी तक इधर ही अटके हुए हैं। इस मिनट के बाद हम आ ही गए अंदर,
इसका टिकट लिया हुआ था हमने, अभी अंदर जाके देखते हैं कैसा है भाई ये द मैजिकल आइस किंगडम। काफ़ी रश बना हुआ है, ये टिकट एडवांस में लेने के बाद भी इतना इतना रश है, आप अंदाज़ा कर लें ओवरऑल फिर कितना रश है। वाह, सब कुछ बर्फ से बना हुआ है, बर्फ से। सब कुछ बर्फ से बना हुआ है और डॉक वो कोई इंसान बना हुआ है, ये भी कोई इंसान है, थोड़े से कुछ बना रहे हैं सब कुछ। आप इसको टच करके फील ले सकते हैं, पूरी बर्फ वाली फीलिंग आ रही है। गेम ऑफ थ्रोन्स वाला वो जो मुर्दों को जिंदा करता है, मुझे तो वो लग रहा है। ये फोटो लो इसके साथ, ये सब बर्फ का बनाया हुआ है और ये देखिए लोग स्लाइड भी कर रहे हैं। बर्फ की स्लाइड, ट्राई दिस चूरोस, ये मीठा सा ब्रेड होता है, कोई अभी लेंगे तो अभी आपको दिखाएंगे। हर चीज़ में जैसे कि ये फ्री में तो नहीं मिल रहा, लेकिन रश हर चीज़ में रश रश रश, लाइनें लंबी लगी हुई। ये जी अच्छा, मतलब मीठा है और आई लाइक इट। छोड़ें आप इसको, अब ये देखिए, ओ वाह वाह, सितारे जैसे जगमग जगमग कर रहे हैं और अब ये पूरा एक्सपेंड करेगा। वाह, अपने पैर पूरे खोल रहा है और लोग जो ऊपर बैठे हैं जाहिर है चीख पे होंगे जोर जोर से। वाह, इस पे मार के इसमें फेंकना है, बास्केट में आना चाहिए बॉल लग के। लोग ट्राई में लगे हुए हैं लेकिन कम कम लोग भी आ रहे हैं। मार दो मार दो भाई, ओहो बास्केट में डाल दिया इसे, बास्केट में डलेगा तो इनाम मिल जाए, नहीं डाल पाए।
सुपर सुपर बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी है और इट्स क्वाइट फन फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ तो बहुत इंजॉय करने वाली जगह है और हर तरफ झूले झूले बच्चों के, तो बच्चों की जन्नत है यहाँ पे। बड़ों के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं लेकिन ज़्यादातर बच्चों के लिए, बच्चे तो आगे मज़े करेंगे भाई, एक से बढ़ के एक, एक से बढ़ के एक। ये देखें जी, ये ताज़ा ताज़ा मैं जीत के लाया हूँ, ये ताज़ा ताज़ा पेंगुइन जीत के लाया हूँ और ताज़ा ताज़ा, वाह वाह। दो ढाई तीन घंटे यहाँ पे गुजारने के बाद अब थक चुके हैं हम और अब हम जाना चाह रहे हैं यहाँ से बाहर, और अभी बहुत रश है। बस पे बैठे हैं अभी, बस पे चेक किया है और बस जो है वो हमारे होटल से सिर्फ 1 माइल की दूरी से हमें बस मिल गई है। हमने क्या ओके से लेट्स गो ऑन बस। देखें कैसे सजाई हुई है इन्होंने गलियां सड़कें, ये देखिए कैसा खूबसूरत सजाया हुआ। देखिए कैसा खूबसूरत सजाया हुआ क्रिसमस पे, पूरी रोड पे इन्होंने इस तरह जगमग जगमग किया हुआ। वो आगे तक वेरी अट्रैक्टिव, सामने वो कोई अपनी कोई देसी जुबान में गाने चल रहे हैं, लाइव कंसर्ट वगैरह चल रहा है। देखिए ये होटल है जहाँ पे स्टे किया, ठीक है अच्छा है, ज़रा पुराना ही है वैसे, कमरे भी इतने खुले खुले नहीं हैं, लेकिन रिव्यूज़ में लोग कह रहे थे कि इसके कमरे दूसरे होटल्स की नस्बत ज़्यादा खुले खुले हैं। तो यू कैन हैव एन आइडिया कि वो दुबई शुबई वाला साइड पे, तुर्की वाली साइड पे जैसे खुले खुले कमरे वैसे नहीं है। एनीवेज ये देखिए क्रिसमस का ट्री, वाह। चलो जी यहाँ से बाहर निकलेंगे अभी, देखिए खुद ही देखिए। कैसी शानदार डेकोरेशन की हुई है इस रोड की, वाह। या मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कितनी बेहतरीन ये इन्होंने गली सजाई हुई है, और ऊपर ये कुछ स्पेस की इन्होंने थीम बनाई है, आपको प्लैनेट भी नज़र आ रहे हैं और बाकी कुछ गोले नज़र आ रहे हैं, गोले वो पीके मूवी वाले गोले, तो बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत नज़ारा है ये देखें, वाह। और ये स्ट्रीट का नाम है, इंडियन रेस्टोरेंट में आए अभी, नाम है कोई डिशोम, ये बिरयानी कह रहे थे 2 बंदों के लिए काफ़ी है, ये तो मैं चखने में खा जाऊंगा। ये रायता है और ये थम्स अप, ये हमने बहुत ऐड देखे हैं इसके, जैसे ही मैच चलता था मतलब दूरदर्शन में का तो नहीं वैसे इंडिया में एडवर्टाइजमेंट, तो आज ये थम्स अप भी हम ट्राई करेंगे। डिशोम फूड वाज ओके और ये थम्स अप पी लिया और डकार भी मार लिया, बिरयानी का मतलब सर्विंग ज़रा कम थी या मेरी साइज़ बढ़ गया ज़रा।